विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बी एम गुप्ता जी महामंत्री डॉक्टर अश्विनी भार्गव जी प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी डॉक्टर शिवादित्य ठाकुर जी तथा इस त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग में भाग ले रहे संपूर्ण देश के आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं पिछले मार्च के बाद से एक विशेष परिस्थिति केवल अपने देश के लिए ही नहीं संपूर्ण देश के लिए उपस्थित हुई इस परिस्थिति में भी जो अपने कार्य की विशेषता है कि हम सभी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए आगे आते हैं अपना कार्य परिस्थिति निरपेक्ष ऐसा हम कहते हैं परिस्थिति कैसी भी हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो लेकिन हम कार्य के लिए सन्नद्ध रहते ही हैं शायद इस कोरोना काल में भगवान को कुछ नया सिखाना रहा होगा तो हमने प्रत्यक्ष जो संगठन का कार्य हम करते थे सर शरीर उपस्थित होकर के लेकिन सर शरीर उपस्थित ना होते हुए भी वैचारिक दृष्टि से हमने अपने अपने संगठनों में अच्छा कार्य खड़ा किया है मैं बहुत प्रमुख हूं तो जब पूरे देश भर से वृत्त लिया तो हजारों प्रकार के कार्यक्रम नए नए प्रकार के कार्यक्रम और ये कार्यकर्ता की विशेषता है कि उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं क्या नया कर सकते हैं उसका भी हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं ये हमने सीखा नहीं तो ये जो आभासीय प्रत्यक ये जो वार्ता है वर्चुअल ये हम पहले कहा करते थे शायद हम जानते भी नहीं थे विश्व विभाग में कई बार वृत्त देते थे अपने कार्यकर्ता कि अंतरताने पर शाखा लगती है समझ में नहीं आता था कैसे अंतर आने पर शाखा लगती होगी लेकिन इस विशेष जो परिस्थिति उत्पन्न हुई इसमें हमने यह भी सीखा तो शायद कई बार कुछ बातें सीखने के लिए भगवान भी कुछ योजना करता है ऐसा मैं मानता हूं किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ बातें आवश्यक हुआ करती हैं। श्रीमद भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा पंच महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्ता सिद्ध ये सर्वकर्मणाम पांच चीजें आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए उनमें से चार तो हमको करना है और एक अगर हम प्रामाणिकता से करते हैं तो हमको भगवान का आशीर्वाद मिलता है और इसलिए कहा अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम अब ये जो कार्य हम करना चाहते हैं तो उसका आधार क्या है क्यों करना चाहते उद्देश्य क्या है वैचारिक उसका अधिष्ठान क्या है ये पहली जो बात है वो जिसके लिए काम हमको करना है वो महत्वपूर्ण है और फिर इसको करेगा कौन विषय तो ठीक है ये होना चाहिए लेकिन करेगा कौन तो दूसरी जो आवश्यक चीज है वो है कार्यकर्ता जो उस कार्य को अपना समझ करके करेगा और फिर बहुत सारे लोगों को जोड़ना है तो कोई ना कोई एक उसकी पद्धति बनानी पड़ती है एक तरीका उसका निकालना पड़ता है लोगों को सक्रिय रहने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ते हैं तो इन सबको की दृष्टि से कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है उस कार्य पद्धति का उपयोग कौन करेगा साधन का उपयोग कौन करेगा वो करेगा कार्यकर्ता इसलिए प्रत्यक्ष जो कार्यकर्ता है उसका योगदान सबसे अधिक हो जाता है अपने संगठन का उद्देश्य है विश्व आयुर्वेद परिषद का सर्वे संतु निरामया एक बड़ा उदात और श्रेष्ठ उद्देश्य है अपने कार्य का जो हम करना चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ और परिश्रमी समाज कर्तृत्वशील समाज ही किसी भी राष्ट्र का आधार होता है अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहा तो किसी कार्य में अच्छी प्रकार से वो लग नहीं सकता परिश्रम नहीं कर सकता भाग दौड़ नहीं कर सकता तो कार्यकर्ता जैसे व्यक्ति कोई एक वह स्वस्थ होना चाहिए उसी प्रकार से समाज भी स्वस्थ होना चाहिए शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से बौद्धिक दृष्टि से वो व्यक्ति स्वस्थ चाहिए समाज स्वस्थ चाहिए और इसलिए अपने यहां कहा है स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम अपने यहाँ और भी कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम तो धर्म का भी अगर हमको पालन करना है कर्तव्य का भी हमको पालन करना है तो शरीर स्वस्थ होना यह बहुत आवश्यक है अभी पिछले दिनों जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कोरोना का एक संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व एक अज्ञात ऐसी बीमारी कहां से आएगी कैसे आएगी कहा पकड़ लेगा कोई ठिकाना नहीं तो संपूर्ण समाज चिंतित और भयभीत सा हो गया जितने कारोबार थे बाजार थे शैक्षणिक संस्थाएं थी बंद हो गए लोगों ने कहा कि जान है तो जहान है अरे जान तो बचे तो ऐसे समय में केंद्र सरकार ने समय पर कदम उठाते हुए जो अलग अलग प्रकार से उन्होंने समाज को भी शिक्षित करने का काम किया बीच बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आगाह किया जैसे एक कोई घर का बुजुर्ग घर का एक अभिभावक जैसे समझाता है इस प्रकार समझाया और मनोबल ऊंचा रखने के लिए भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम समाज में दिए और दूसरी तरफ उन्होंने आज जो हम वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं उधर भी प्रयत्न प्रारंभ कर दिया लोग कह रहे थे कि केवल ताली बजवा रहे हैं केवल जो है आ, दिए जलवा रहे लेकिन जो एक समाज में समाज का मनोबल ऊंचे रखने का जो कार्य है वह अपने प्रधानमंत्री जी ने किया हम सब जानते हैं और इसी कारण से जो अन्य देशों ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है हम शायद उससे बच गए क्योंकि हमारी जीवन शैली इस प्रकार की थी जो अभी आदरणीय योगेश जी बता रहे थे हमारी जीवन शैली उसका भी एक अपने यहां कम जो नुकसान हुआ वो उसका एक प्रभाव है हमारा तो जो रसोई घर है वो रसोई घर वो एक प्रकार से अनेक प्रकार के जो शरीर को स्वस्थ रखने वाली ऐसी जो दवाएं हैं दवाएं क्या वो हमारे रोज के प्रचलन में है हल्दी है जीरा है लहसुन है ये सब औषधि तो अपने पूर्वजों ने कैसे इसको हमारे जीवन में ही सम्मिलित कर दिया आज तो संपूर्ण विश्व में भारत वर्ष से सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है वो मसाला लोगों को समझ में आ रहा है ये भी कैसा हमारा जीवन ये आयुर्वेद का ही एक एक अंग है हमारी जीवन शैली कि हम बीमार पड़े ही नहीं स्वस्थ रहें तो इस नाते से ये एक आ, हमारी एक अपने देश की जिसको हम कहते हैं रहन सहन हमारा आ, हमारी संस्कृति सभ्यता उसमें रचा बसा हुआ है अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए तो हमारा उद्देश्य तो सर्वे संतुनिरा है लेकिन दूसरा जो आवश्यक जो इस कार्य को करेगा वह है कार्यकर्ता इसलिए इस कार्यकर्ता का कैसे योग्य निर्माण हो क्योंकि किसी भी संगठन में अच्छे गुणवान समर्पित कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है हर व्यक्ति में गुण और दोष तो रहते हैं थोड़ा सा उसका अनुपात अलग अलग हो सकता है वातावरण और उसकी संगति इसके कारण से भी कुछ गुण दोष घटते बढ़ते हैं लेकिन व्यक्ति निर्माण के संबंध में अगर कहा जाए तो जो व्यक्ति है जो संपर्क रखता है उसका बड़ा महत्व है अपने यहां बौद्ध मत तथागत बुद्ध ने जो प्रारंभ किया उसके त्रि रत्न कहे जाते हैं जो तीन घोषवाक्य है संघम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि अब ये एक प्रकार से तीन चरण हैं व्यक्ति को जोड़ने के उसको उस तत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए उसके मन में ध्येय निष्ठ कार्यकर्ता के नाते से बिठाने के लिए ये तीन चरण हैं क्योंकि व्यक्ति पहले किसी न किसी एक व्यक्ति से ही जुड़ता है नया व्यक्ति है वो किसी न किसी के संपर्क में आता है उसके साथ जुड़ता है और उसके संपर्क में जुड़ने के कारण से अनेक बातें वो जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता उसको बताता है समझाता है उसका रहन सहन देख करके प्रभावित होता है व्यक्ति नया व्यक्ति जुड़ता है कि उसको अच्छा लगता है कुछ वो पुस्तकें देता है पढ़ने के लिए कुछ उसको चार बातें अच्छी बातें बताता है तो पहले कोई नया व्यक्ति एक व्यक्ति से ही जुड़ता है कार्यकर्ता से ही जुड़ता है लेकिन फिर धीरे धीरे उस कार्यकर्ता का स्वाभाविक रूप से एक कर्तव्य होना चाहिए कि केवल अपने तक ही सीमित न रखे उस व्यक्ति को संगठन से जुड़े एक बड़ी इकाई से जोड़े संगठन एक बड़ी इकाई है और इसलिए कहा संगम व्यक्ति से जुड़ने के बाद वो संगठन से जुड़े चार अन्य लोगों के साथ जब वो जुड़ता है तो उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है ज्यादा चीजें समझ में आती हैं ध्यान में चीजें आती हैं और इसलिए उसके कारण से वो एक बड़ी इकाई से जुड़ता है और वहां पर उसको ध्यान में आता है कि ये संगठन किस उद्देश्य से चल शुरू शुरू में तो संगठन संगठन के लिए बात ठीक है लेकिन उस संगठन का अपना एक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए वो कार्य करता है और तब फिर वो उद्देश्य से जुड़ता है तब फिर वो धर्म से जुड़ता है तब वो तत्व से जुड़ता है और इसलिए यह एक कार्यकर्ता की पटरी पर लाने के लिए एक क्रम है तीन चरण है इसके इस नाते से हमारे साथ नए नए लोग कैसे जुड़े अपने को भी आगे बढ़ करके नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ना की आवश्यकता है भगवान राम को कहा गया कि भगवान राम पूर्वाभासी थे यानी कि वो अपनी ओर से पहल करते थे कोई दूसरा बोलेगा तब हम उससे बात करेंगे ऐसा नहीं अपनी ओर से पहल करना अपनी ओर से नए लोगों से संपर्क करना परिचय करना तो फिर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं बिना संकोच के हमको नए नए लोगों से परिचय करते हुए अपने साथ जोड़ना ये हमारा काम है कार्यकर्ता का काम है और फिर व्यक्ति के बाद फिर जब समूह में आता है संगठन के साथ जुड़ता है तो समूह में अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसके कारण से फिर एक सामूहिक जीवन के जीने की दृष्टि से धीरे धीरे उसका अभ्यास बनता है बहुत सारे लोग रहते हैं अकेले एकाकी रहते हैं चार लोगों के साथ मिलकर के काम करने का उनका स्वभाव नहीं रहता लेकिन संगठन में तो हमको सबके साथ मिलकर के चलने का अभ्यास डालना चाहिए और इसलिए इस सामूहिक जीवन में अनेक प्रकार के गुण हमें प्राप्त होते हैं कई हमारे भीतर दोष रहते हैं वो दोष भी जब हम समूह में रहते हैं तो धीरे धीरे वो गायब होते हैं धीरे धीरे कब वो समाप्त होते हैं हमको भी पता नहीं लगता तो गुण बढ़ना और दोष कम होना एक बड़े प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफे, प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में थे प्रोफेसर थे वो बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है उन्होंने कहा कि जब हम हरिद्वार जाते हैं तो गंगा की धारा में हम देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों ऐसे गोल गोल पत्थर हमें दिखाई देते हैं अब ये जो गोल गोल पत्थर है ये क्या प्रारंभ से ऐसे ही गोल थे क्या तो ये गोल नहीं थे गंगा की जो वेगवती धारा है उसमें विभिन्न जो चट्टाने हैं उनके उनसे कट करके टूट करके विभिन्न आकार प्रकार के बैडोल ऐसे जो पत्थर हैं वो पत्थर उस धारा में बहते हैं अकेले अकेले नहीं बहते वो समूह में बहते हैं हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में उसमें प्रभावित होते हैं और उसके कारण से आपस में वो रगड़ खाते हैं एक दूसरे से और उनका घर्षण होता है और उस घर्षण के कारण से उनके जो कोने निकले रहते हैं वे कोने धीरे, धीरे धीरे घिसते हैं धीरे धीरे जो बैडोल आकार के ऐसे पत्थर विभिन्न कोने निकले हुए हैं वो घिसते जा हुए और बाद में आगे चल करके सुडोल गोल पत्थर इस प्रकार के हमको ऋषिकेश में हरिद्वार में आगे मिलते वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा कि ये है गंगलोढ़, लोढ़ इनका नाम उन्होंने दिया गंगलोढ़ लोढ़ तो उसी प्रकार से जो सामूहिक संगठन की जो प्रक्रिया है भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की जो प्रक्रिया चलती है उसमें हम समूह में रहते हैं सब कार्यक्रम हम समूह में ही करते हैं हम कोई परिचर्चा करेंगे हमारा कोई कोई बौद्धिक कार्यक्रम होगा हम और अभ्यास वर्ग करेंगे हम भोजन करेंगे हम जलपान करेंगे सब हमारा समूह में चलता है तो ये जो सामूहिक प्रक्रिया है उस सामूहिक प्रक्रिया में जो विभिन्न रुचि प्रकृति स्वभाव के नए नए लोग जुड़ते हैं तो धीरे धीरे जो एक कार्यक्रमों की रगड़ है उसमें अनेक दोष वो दूर होते हैं एक मन का अहंकार होता है मैं इस पद पर हूं मैं इतना योग्य हूं मैं इस खानदान से हूं मैं इस जाति का हूं ये जो अनेक प्रकार के मन में जो अहंकार एक कोने वो धीरे धीरे घिसते जाते हैं और एक हम अच्छे कार्यकर्ता के रूप में विकसित होते हैं दोष धीरे धीरे कम होते जाते हैं और जो हम समूह में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो अन्य लोगों के जो अनेक गुण हैं वो हमको प्रभावित करते हैं कोई बहुत अच्छा गीत गाता है अभी बहुत अच्छा गीत जैसे गाया हमको भी लगता है हम भी गा सकते हैं हमको भी गाना चाहिए कोई अच्छा भाषण देता है प्रस्तुति अच्छी है डिबेट अच्छा करता है योग्य है गुणवान व्यक्ति है तो जो हमसे आगे ऐसा दिखाई देता उसकी है उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं और हम भी धीरे धीरे गुणवान कार्यकर्ता के रूप में विकसित होते हैं ये दोनों प्रक्रिया चलती है और कब ये धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रभावित होती है ये हमको भी नहीं पता लगता है धीरे धीरे हम संस्कारित होते चले जाते हैं और इसलिए विभिन्न कार्यक्रम लगातार होते चलना करते चलना ये प्रत्येक संगठन की दृष्टि से आवश्यक रहता है और ये जो गुण है ये गुण भी प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किए जाते हैं उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए हमको कुछ त्याग करना पड़ेगा उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा करत करत अभ्यास से जड़म हो तो सुजान अब ये अभ्यास अच्छी बातों का हमको पुस्तक अध्ययन का अभ्यास नहीं है लेकिन हम पुस्तक पढ़ेंगे हमको चार लोगों के साथ जाकर के संपर्क करने के में संकोच लगता है लेकिन धीरे धीरे संगठन के लिए आवश्यक है हमको दायित्व तो दिया गया है हम जाकर के संपर्क करेंगे अपने बात चार लोगों के सामने प्रस्तुत करना बताना समझाना उनको अपने साथना तो ये जो अभ्यास है उस अभ्यास के कारण से ये जो गुण है जो आवश्यक है कार्यकर्ता के लिए वो बढ़ते चले जाते हैं श्रीमद भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बारहवें अध्याय में जो भक्त के गुण बताए आठ श्लोक है उसमें उसमें उन्होंने कहा अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र करुण निर्मो निरंकार संतुष्टा सत्तम सतम यो एक ये गुणों का वर्णन किया है ये गुण भक्त यानी कौन है ये कार्यकर्ता तो वो जो गुण है वो गुण हमारे अंदर भी विकसित होते चले कहा उसने बोलें कि कोई दूसरा हमसे और नाराज हो जाए व्यंग्य की भाषा नहीं चलती संगठन में बहुत व्यंग्य नहीं दूसरे को नीचा दिखाना नहीं और कोई दूसरा बोलता है तो हम भी एकदम बेचैन ना हो जाए जरा संयम रखें तो ये गीता में भगवान कृष्ण ने कितने किस प्रकार से और भक्त के जो गुण कहे हैं वास्तव में वो व्यक्ति के लिए कार्यकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है उसको जानने समझने की आवश्यकता है संभवतः भारतवर्ष में पहली बार धार्मिक क्षेत्र में एक संगठन बनाया तथागत बुद्ध ने उसके पहले शायद इस प्रकार का संगठन शंकराचार्य भी बाद में आए तो बाद में उन्होंने सन्यासी परंपरा प्रारंभ की लेकिन बुद्ध ने पहले एक प्रकार से कहे तो, तो बौद्ध भिक्षु हैं इन बौद्ध भिक्षुओं को समूह में रहने का उन्होंने और सबको प्रयत्न किया कि समूह में रहें एक साथ रहें बाद में फिर वो बिहार इत्यादि बने तो समूह में अगर रहना है तो समूह में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है डूज एंड डोंट्स है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भगवान बुद्ध ने ऐसे सौहार्द के बिंदु उन्होंने बताए नियम बताए उसमें से दो बड़े महत्वपूर्ण हम सब के लिए हैं पहला उन्होंने कहा कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना जिनसे सौहार्द में वृद्धि हो जो भगवान कृष्ण जैसा कह रहे हैं यशमान द्विजते लोग वही दूसरे शब्दों में तथागत बुद्ध कह रहे हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना जिनसे सौहार्द में वृद्धि हो ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना जिनसे संघ में बिखराव आ सके अब ये हमारी भाषा हमारे शब्द उसका संयम ये जब हम संगठन में रहते हैं तो उसका आवश्यक हो जाता है कहा क्या बोलना नहीं बोलना कितना बोलना ये सब हमारा विवेक उसके आधार पर हम इसको हम कर सकते हैं करना चाहिए कहा ना सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात सत्यम कितना बोलना नहीं बोलना क्या बोलना यश और इसीलिए सत्रहवें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कृष्ण इसको कहते हैं ये वाणी का तप है अगर हमें संगठन में अच्छे कार्यकर्ता बनना है तो ये वाणी का तप वाणी का संयम ये आवश्यक है और दूसरा तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरा नियम बताते हैं संगठन के लिए कि दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान देना संगठन में हम हैं तो हम अपनी बात नहीं हम आ, कई बार अपनी ही बात कहते रहते हैं। तो हमें दूसरा कोई बात अपनी रख रहा है कोई विषय रख रहा है कोई सुझाव दे रहा है तो उसको सम्मान पूर्वक उसको सुनने की आवश्यकता उसको सम्मान देना चाहिए हाँ ठीक अच्छा है और फिर इसके आगे कि दूसरे के ऊपर अपना दृष्टिकोण हठात जबरदस्ती नहीं थोपना कई बार हम अपना विषय बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसा सोच करके हम दूसरे के ऊपर हम इसको जबरदस्ती थोपते हैं जबरदस्ती उसको मनवाने की कोशिश करते हैं तो जब बैठक है जब कोई इस प्रकार की चर्चा चलती है परस्पर में तो अपना विषय रखना लेकिन दूसरे की भी बात सुनना और फिर अपना विषय रखना प्रदस्ती नहीं मनवाना जैसे जैसे विषय आगे उस कार्यकर्ता को समझ में आएगा स्वीकार करेगा इस बैठक में नहीं स्वीकार करेगा अगली बैठक में स्वीकार करेगा उसकी अगली बैठक में स्वीकार करेगा यह धैर्य चाहिए संगठन में धैर्य चाहिए धीरे धीरे व्यक्ति की समझ बढ़ती है और उस समझ के आधार पर फिर वो कार्यकर्ता उसको समझ करके स्वीकार करता है सहज रूप से स्वीकार करेगा तो फिर वो संगठन के लिए अच्छा है तो इस नाते से ये भी एक आवश्यक है संगठन में जहां हम अनुशासन की बात कहते हैं अनुशासन का पालन होना चाहिए नियमों का पालन होना चाहिए बात ठीक है लेकिन अपने यहाँ आत्मीयता उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये अनुशासन आत्मीयता के कारण से आएगा और इसलिए संगठन में जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता हमसे छोटा है हमारे बराबर है तो उसको हम कैसे आत्मीय ढंग से कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं प्रेम स्नेह आत्मिता ये बहुत आवश्यक है स्वामी विवेकानंद जी जब राम कृष्ण परमहंस की, की मृत्यु हो गई उसके बाद एक मठ में अपने गुरु भाइयों के साथ रहते थे प्रातःकाल उठना और सब मठ के साफ सफाई इत्यादि करना सब मिलकर के करते थे उसके बाद फिर अनेक प्रकार के और स्नान ध्यान करके कुछ साधना करना योगासन करना बाद में दो सन्यासी जाते थे और घरों से भिक्षा मांग करके लाते थे फिर वो भिक्षा सब मिल करके करते थे। इस प्रकार का का एक दिन भर का उनका एक अः बना हुआ था दिनचर्या बनी हुई थी एक उनके साथ किशोर एक सन्यासी भी रहता था चौदह पंद्रह वर्ष का था वो सवेरे जल्दी नहीं उठता था शेष तो सवेरे जल्दी उठ जाते थे चार बजे साढ़े चार बजे उठ करके और इस अपने दिनचर्या में लग जाते थे लेकिन वो देर तक सोता रहता था उसकी शिकायत जो उनके गुरु भाई थे विवेकानंद जी के, के उन्होंने विवेकानंद जी से की कि ये तो उठता नहीं है देर तक सोता रहता है अनुशासनहीनता करता है दो बार तीन बार चार बार सुना विवेकानंद जी ने एक दिन उसको बुलाया और बुला करके कहा कि तुम अनुशासनहीनता करते हो और इसलिए आज अपना काम यहाँ का करने के बाद तुमको अपनी भिक्षा स्वयं मांग के लाना है जो भिक्षा आएगी उसमें तुमको भोजन नहीं मिलेगा तुमको अपनी भिक्षा स्वयं मांग के लाना है ठीक है अपना काम धाम निपटाया करते करते उसको थोड़ी देर हो गई सब देर में उठ, सो के उठा ही था तो दोपहर को निकला गर्मी के दिन थे गया गरम जो है गर्मी में तपती और सड़क पर घूमता रहा और जा करके भिक्षा मांग करके लाया आया तो थोड़ी देर हो गई थी एकदम चेहरा तमतमा रहा था धूप से गर्मी से जब वो मटकी और सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो उसने देखा कि बीच की सीढ़ी पर विवेकानंद जी बैठे हुए विवेकानंद जी ने उसको देखा तो आओ 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 चलो भोजन करते हैं इसको लगा कि अरे इन्होंने तो भोजन कर तुम मुझे दंड दिया था कि तुम अपना भोजन अपना भिक्षा लेके आओ तुम अपना भोजन अलग करो लेकिन ये क्यों कहा कि आपने भोजन क्यों नहीं किया कि अरे तुम वहां पर धूप में तपती दोपहर में वहां घूम रहे हो और मैं यहाँ भोजन कर दू चलो साथ साथ भोजन करेंगे विवेकानंद जी भी तक भूखे रहे सीढ़ी पर बैठे रहे उसकी प्रतीक्षा करते रहे और साथ साथ जब वो आया तो उसके साथ बैठ करके भोजन किया उसके बाद से उस किशोर सन्यासी का क्रम एकदम बदल गया ठीक हो गया अब केवल डांटने से काम नहीं चलता है अनुशासन नियम बताने से काम नहीं चलता है उसके साथ चाहिए प्रेम स्नेह आत्मीयता चाहिए तब फिर व्यक्ति जुड़ता है और तब फिर वो अपने जीवन में भी परिवर्तन करता है जो हम हमारा उद्देश्य है कि कार्यकर्ता वह एक मन से एक कार्यकर्ता बने भाव से कार्य करते यादव राव जी जोशी का नाम हम लोग ने सुना होगा दक्षिण भारत में एक प्रकार से संघ का कार्य विस्तारित करने का काम उन्होंने ही शुरू किया परम पोजिंग डाक साहब ने उनको कर्नाटक भेजा था तो वो एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने पूछा कि देवस्थान और संघ स्थान इसमें क्या अंतर है ने अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए बाद में यादव राव जी जोशी जी ने बताया कि देवस्थान बहुत पवित्र है तिरुपति बालाजी का मंदिर है और भी बड़े बड़े देवस्थान है हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं लेकिन देवस्थान में व्यक्ति वहां एकाकी विचार करता है स्वयं अपने लिए ही विचार करता है ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लिए विचार करता है भगवान के सामने जाकर के और भगवान को प्रणाम करता है और भगवान से मांगता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगता है। तो व्यक्ति एकाकी हो जाता है परिवार तक ही सीमित हो जाता है अपने तक ही सीमित हो जाता है लेकिन यादव राव जी ने कहा कि संगस्थान पर व्यक्ति आता तो अकेले अकेले है लेकिन वहां आने के बाद सामूहिक विचार करता है समूह का विचार करता है व्यक्ति का विचार गौण हो जाता है समूह का विचार प्रमुख हो जाता है हम दूसरे का विचार करते वो क्यों नहीं आया कार्यक्रम में क्यों नहीं आया व्यक्ति उसका विचार करते हैं तो समाज में एक सामूहिक भाव का जागरण एक बड़ी इकाई से जुड़ना हम एक बड़ी इकाई से जब हम संगठन के साथ जुड़ते हैं तो हम एक बड़ी इकाई के साथ जुड़ जाते हैं और इसलिए हमारा चिंतन भी व्यापक हो जाता है संकुचित नहीं रहता हमारा चिंतन यह व्यापक हो जाता है संगठन में सभी कार्य महत्वपूर्ण है कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं है जो जिम्मेदारी दी गई वो महत्वपूर्ण है उसको कैसे अच्छी तरह से निभाना एकाग्रता से पूर्ण मनोयोग से उसको कैसे निभाना ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एक स्टेप एक एक कार्य एक एक कार्यक्रम वो महत्वपूर्ण है उसके जो और परिणाम है वो संगठन के लिए समाज के लिए वो फलदायी होते माननीय एक नाथ जी राणा डे बड़े ही और श्रेष्ठ और उत्कृष्ट विचारक रहे हैं वो वो सरकारी सरकार्यवाह थे परम पूजनी गुरु जी ने जो सरसंघ चालक थे उस समय उन्होंने मन एकनाथ जी राणा डे को बुला करके और उनको कहा कि आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सरकारवाह से मुक्त करके उस कार्य में आपको देने का विचार हुआ है उन्नीस में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष और इसलिए कन्याकुमारी में जो श्रीपाद शिला है जहां पर जा करके स्वामी विवेकानंद को पश्चिम अमेरिका जाने का और एक संदेश मिला उनके गुरु के द्वारा तीन दिन उस श, आ, शिला पर स्वामी विवेकानंद जी और ध्यानस्थ रहे और फिर उनको वहां आश यह आदेश मिला कि अमेरिका जाओ वहां जो धर्म सभा है उस धर्म सभा के लिए और इसलिए उस शिला पर स्वामी विवेकानंद जी का एक भव्य स्मारक बने इस उद्देश्य से परम पूजनी गुरु जी ने एक नाथ जी रानडे को ये कहा क्योंकि वहां पर अनेक और ईसाई गतिविधियां ईसाइयों का क्राफ वो गढ़ चुका था बड़ा कठिन कार्य था दक्षिण भारत में अपना काम भी बहुत कम था लेकिन उस कठिन कार्य को माननीय एक नाथ जी रानाडे ने स्वीकार किया सरकारी वासी मुक्त होने के बाद उन्होंने वहां पर कार्य प्रारंभ किया और हम सब जानते हैं कि, कि किस प्रकार से वहां पर आज और उन्हीं के द्वारा अनेक प्रयत्नों के द्वारा संपूर्ण समाज को जोड़ते हुए विभिन्न जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको भी जोड़ते हुए वहाँ एक भव्य विवेकानंद जी का और स्मारक खड़ा है और केवल उतना ही नहीं उन्होंने किया वो स्मारक तो खड़ा ही किया साथ ही साथ जो कन्याकुमारी में उन्होंने एक बड़ा बड़ी भूमि वहां पर उन्होंने और वहां पर विवेकानंद केंद्र स्थापित किया और उस विवेकानंद केंद्र में पूर्णकालिक कार्यकर्ता खड़े हों इसकी रचना बनाई वहां व्यवस्था बनाई और उसके वहां जो कार्यकर्ता हैं वो पूर्णकालिक वो दो साल तीन साल या आजीवन कार्य करने के लिए निकले और उनको कार्य का स्थान कौन सा दिया अरुणाचल पूर्वोत्तर में जो अरुणाचल है उस अरुणाचल में उन्होंने दो विषय लिए एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य वहां चिकित्सालय स्थापित करना वहां जा करके विद्यालय स्थापित करना तो ये जो विवेकानंद केंद्र की भी स्थापना करके इस कार्य को और आगे बढ़ाने का यह कार्यकर्ता जब किसी कार्य में लगता है तो किस प्रकार से उस कार्य को एक अच्छा स्वरूप देता है यह उसमें से हमारे ध्यान में आता है हम सब कार्यकर्ता इसी प्रकार से जो अपने साथ जुड़ते हैं कार्यकर्ता उनको एक जीवनोद्देश्य ऐसे उनको अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मिले हमारे संसर्ग से मिले यह आवश्यक है और ये कार्य लगातार चलने की आवश्यकता है क्योंकि संस्कार तभी होते हैं जब उसमें निरंतरता बनी रहती है टुकड़े टुकड़े में नहीं तोड़ तोड़ करके नहीं बीच में सक्रिय हो गए बीच में फिर अनुपस्थित हो गए तो लगातार जो कार्य मिला है उसको लगातार करना निरंतरता से करना। स्वामी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं वो कहते थे कि जो जल एक जगह ठहर जाता है उसमें गति नहीं नहीं रहती तो फिर वो सड़ने लगता है लेकिन नदी का जल शुद्ध रहता है निर्मल रहता है उसको हम पीते हैं क्यों क्योंकि लगातार वो बहता रहता है और इसलिए कहा बहता पानी निर्मला पड़ा गंदी लो हुए जो बहता पानी है उसमें निरंतरता रहती है वो शुद्ध रहता है तो इसलिए कार्य की निरंतरता कार्यकर्ता को तभी अच्छे संस्कार मिलते हैं और फिर वो संस्कार दृढ़ होते हैं जब ये निरंतरता बनी रहती है इस निरंतरता के कारण से कार्यकर्ता भी कार्य करते करते योग्य बनता है और उसके कारण से नए नए कार्यकर्ता भी तैयार होते हैं ये निरंतरता दोनों की परस्पर ये बनी रहे तो संगठन हमारा तेज गति से आगे बढ़ता है इस कार्य को करते हुए पूर्ण समर्पण अपने कार्य के प्रति जितना हमको और समय आवश्यक लगता है वह समर्पण हमारा क्योंकि समय ही महत्वपूर्ण है समाज का, का काम करना है स्वयंसेवी संस्था का, का काम करना है तो समय देना पड़ता है समय लगाना पड़ता है और इसलिए वो समय कहाँ से निकलेगा ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमारी दिनचर्या कैसी हो जहाँ आवश्यक है वहां पर हम कार्य अपने परिवार का कार्य है अपना जहाँ हम व्यवसाय करते हैं जहाँ हम नौकरी करते हैं उसका कार्य है इनमें कोई कमी ना आए वो तो करना ही है क्योंकि जहाँ हम हैं वहां हम और एक योग्य कार्यकर्ता के नाते से उस स्थान पर जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसको योग्यता पूर्ण क्षमता पूर्ण ढंग से उसको निभाते हुए लेकिन संगठन में भी हम ज्यादा से ज्यादा समर्पित होकर के काम कर सके और इसलिए स्वामी रामतीर्थ एक और उदाहरण देते हैं वह देते हैं दीपक का कि वह दीपक जो है उसकी जो लौ जलती है वह जो लौ वह दीपक न तो जो तेल है उसका मोह करता है न तो वह बत्ती है उसका मोह करता है वह संपूर्णता में निरंतर जलता है और पूरा त्याग करता है समर्पित हो जाता है तब वह समाज में प्रकाश देता है तो ये जो समर्पण भाव है अपने संगठन के प्रति पूर्ण समर्पण भाव वह भी बढ़ता चले। इसके कारण से हमारे अंदर भी एक आनंद और समाज में जो हम देना चाहते हैं वह सहज रूप से जाता है काम करते करते और अनेक प्रकार की कई बार दिक्कतें भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती जो इंफोसिस आईटी का एक बड़ा नाम है आईटी कंपनी का उसकी जो और कर्ता धर्ता है श्रीमती सुधा मूर्ति जी बड़ी विद्वान है वैज्ञानिक है स्थान स्थान पर उनके विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच में छात्राओं के बीच में उन उद्बोधन होते हैं एक इसी प्रकार का उद्बोधन उनका विश्वविद्यालय में था उद्बोधन हो जाने के बाद एक प्रश्नोत्तर का सेशन चल रहा था तो उसमें एक छात्रा ने उनसे पूछा कि जब कोई एक समस्या आती है तो उस समस्या से आप कैसे उस कैसे, कैसे उसको सुलझाती हैं? समस्या का निराकरण कैसे आप करती हैं? तो सुधा मूर्ति जी ने रामायण में से एक उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि जब लंका में युद्ध चल रहा था लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे उस समय उनको शक्ति लगती है और वो मूर्छित हो जाते हाहाकार मच जाता हनुमान जी ये और फिर वैद्य आते हैं फिर वो बताते हैं कि अगर रात में ही प्रातः काल होने के पहले ये औषधि आ गई और ये औषधि मिलेगी हिमालय में और बताते हैं कि कैसी कैसी उसकी पहचान को बताते हैं और कौन इसको लेने जाएगा तो हनुमान जी फिर उपस्थित होते हैं ठीक है हनुमान जी जाते हैं औषधि लेने के लिए और वहां जाकर के जिस प्रकार की पहचान बताई तो उसमें उनको ध्यान में नहीं आता है कि बहुत वो प्रकाश हो। कौन सी औषधि वैद्य बताई है जो कि लेके जाना है उनको ध्यान में नहीं आया तो अब उनके मन में आया कि इस पहाड़ को ही उठा करके ले चले लेकिन पहाड़ तो बड़ा था तो हनुमान जी ने अपना जो स्वरूप है वह विशाल किया और फिर उस विशाल स्वरूप के करने के बाद पहाड़ को उठा करके और फिर वो ले आए लंका पहुंचने पर और हम सब जानते हैं। इस प्रकार वह औषधि दी और फिर वो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए तो सुधा मूर्ति जी ने कहा कि समस्या जो है वो पहाड़ के समान है पहाड़ हम हमको सामने दिखता है लेकिन हमको उस समस्या से अपने को बड़ा बनाना है अगर हम अपने को बड़ा बनाएंगे तो हम उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं हम अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे अंदर वो पता नहीं क्षमता है कि नहीं है मन में संदेह रहता है ये संदेह रखने की आवश्यकता नहीं हम अपने आप को पहचाने अपनी क्षमता को पहचाने और अपने आप को उससे बड़ा बनाने का प्रयत्न करें तो हम देखेंगे कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाए पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के एक भाव से यह हमको करने की आवश्यकता है तो फिर हम निराश नहीं होंगे हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने की दृष्टि से अनौपचार भी औपचारिक कार्यक्रमों में हम उनके साथ रहते हैं वह तो ठीक है ही लेकिन अनौपचारिक चर्चा करना अनौपचारिक गपशप करना चाय पर हो उनके घर जा करके हो कभी साथ साथ घूमते हुए हो संपर्क करते हुए हो ये अनौपचारिक हमारे संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें व्यक्ति और अधिक हमारे नजदीक आता है और हमको भी उसको समझने में आनी होती है और तब फिर हम और अच्छी प्रकार से कार्यकर्ता को के साथ उसको दर्गुण विकसित करने में सफल हो सकते हैं इसलिए ये अनौपचारिक हमने अगर उसको कुछ कार्य दिया कुछ दायित्व तो सौंपा तो उस दायित्व तो को हमको कैसे वो पूर्ण करे वो यशस्वी कैसे हो वो उसमें फेल ना हो जाए इसलिए उसकी मदद करना अगर कहीं कोई गलती की है तो उस गलती को चार लोगों के बीच में नहीं कहना अलग से बुला करके उसको उसकी गलती बताना तो वो स्वीकार नहीं तो हर व्यक्ति का अपना अहंकार होता है वो सबके सामने अपमान स्वीकार नहीं कर सकता उसको लगता है हमको अपमानित कर रहे हैं कार्यकर्ता को अगर हमको जोड़ना है उसको अपने साथ खड़ा करना है उसके अंदर गुण विकसित करना है तो ये सावधानी हमको रखने की आवश्यकता है एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने की आवश्यकता है विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे यशवंत राव केलकर वो तो कहते थे कि हर व्यक्ति अपूर्णांक है हम सब में कुछ न कुछ दोष है लेकिन दोष भी है लेकिन हम सब जब मिल जाते हैं तो पूर्णांक बनता है अगर हम सब मिल करके काम करेंगे तो फिर गलती होने की संभावना कम से कम होती चली जाती है और अगर होती है तो वो हम सब की है हम करते हैं अगले बार वो हम नहीं करेंगे ये ध्यान में आता है तो हम पूर्णांक तब होते हैं जब हम टोली में रहते हैं मिलकर के काम करते हैं और इसलिए ये टोली विकसित करना अपने साथ लोगों को खड़े करते चलना प्रत्येक स्तर पर टोली खड़ी होती है तो फिर वो भविष्य का अच्छा कार्यकर्ता बनता है अगले दस साल बाद कौन कार्यकर्ता खड़ा होगा जिले का दायित्व तो होगा प्रांत का दायित्व तो होगा, जाएगा अखिल वो कौन खड़ा करेगा इसलिए नई टीम को विकसित करते चलना हर स्तर पर यह आवश्यक है और टोली में जो जो आवश्यक इस प्रकार के कार्य अवस्था से वो थे बुद्ध देवरस तो भावरव जी देवरस मान्य प्रताप जी शुक्ला और रामशंकर अग्निहोत्री जी ये उनके साथ काफी जब वे लखनऊ रहते थे तो गपशप करते थे उसमें से भानु प्रताप शुक्ला जी ने जो भावराव जी के जीवन पर और पुस्तक लिखी उनका जीवन चरित्र लिखा उसमें एक बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि भावराव जी कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कार्य खड़ा किया उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो दीनदयाल जी मिल गए बापूराव जी मोघे मिल गए ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम लेते थे कि ये मिल गए और इन्होंने काम खड़ा किया मैंने काम किया ये मैं शब्द कभी उनके मुंह से नहीं निकला जबकि उन्होंने रह करके स्वरम और प्रारंभ वहीं से किया लेकिन कभी भी उन्होंने अपना मैं उन्होंने उन्होंने कभी नहीं। और कहा कि तो उनका सूत्र था मैं तुम्हें देखता हूं तुम संघ का कार्य देखो वे का, कार्यकर्ता की चिंता करते थे और कार्यकर्ता वो संगठन की चिंता कर तो ये जो हम बड़े कार्यकर्ता हम प्रांत कार्यकर्ता हम अखिल भारतीय कार्यकर्ता हमारा कार्य है कि हम जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता की हम चिंता करें जो कार्यकर्ता है वो संगठन का कार्य निश्चित रूप से खड़ा करेगा ये एक उनकी शैली थी वह शैली माननीय भावराव जी की आज भी हम कैसे अपना सकते हैं और इसलिए उसके आधार पर प्रामाणिक चरित्रवान अच्छे कार्यकर्ता कैसे खड़े हों ये प्रामाणिकता ये आ, हमारा जो कार्य है ये गुणवत्ता युक्त ढंग से जो अपना आयुर्वेद का पूरा एक वातावरण है जो अभी शोध की बात हो रही थी अनेक प्रकार की नई नई चीजें इसमें जुड़ती कैसे चले जाए इस नाते से इसको हम कैसे खड़ा कर सकते हैं कार्यकर्ता अगर गुणवान होता है तो कार्य भी गुणवान होता है वह भी गुणवत्ता युक्त होता है कार्य के आधार पर ही कार्यकर्ता कार के आधार पर ही कार्य खड़ा होता है मालवी जी का एक बड़ा अच्छा संस्मरण एक उस समय के अध्यापक श्री पद्म नारायण आचार्य जी वो कहते हैं कि बसंत पंचमी ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है तो उस दिन एक उत्सव का माहौल रहता था उन्होंने कहा कि हम अध्यापक थे उस समय नए नए अध्यापक बने थे और तो अपने साथियों के साथ हम महामना मालवी जी के पास गए और उनको जाकर के प्रणाम किया उनका आशीर्वाद लिया उनको माला पहनाई और फिर अपने अपने जेब में रखे थे वो चंदन का इत्र रखे थे पद्म नारायण आचार्य थे तो मैं वो इत्र निकाल करके और महामना मालवी जी के हाथ में लगाया महामना ने तुरंत कहा नहीं, नहीं ये पोच दो ये इत्र की गंध मुझे पसंद नहीं है ये इत्र की गंध मुझे पसंद नहीं है इसको पोच दो मुझे तो शील की चरित्र की गंध धर्म की गंध और उससे भी बढ़कर विश्वविद्यालय की सुगंध मुझे प्रिय है अब ये जो मालवी जी का यह जो एक वाक्य है वो कितना महत्वपूर्ण है जो चरित्र की सुगंध है कार्यकर्ता के गुणों गुणों की सुगंध है वह ही किसी भी कार्य को स्थाई बनाता है गुणवत्ता युक्त बनाता है कार्य को भी गुणवत्ता युक्त बनाता है जो हम चाहते हैं जो हम स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए अपना विश्व आयुर्वेद परिषद का कार्य यह श्रेष्ठ हो अच्छा हो आज वर्तमान समय में इसकी और इसका महत्व लोगों को समझ में आ रहा है इसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं इसका महत्व और कैसे हम बता सकते हैं जो एक प्रतिष्ठा है रही है आज भी है उसको और अपने को स्थापित करना है इस नाते से इसके लिए हम लगे हुए हैं यह एक आनंद की बात है यह निश्चित रूप से और आगे स्थापित होगा केवल भारतवर्ष ही नहीं क्योंकि भारतवर्ष की योग है आयुर्वेद है सब तो बड़ी और श्रेष्ठ ज्ञान है यहाँ का विश्व के लिए और तो इसलिए इसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे एक सुभाषित कहता हुआ मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के जु... रोहिताश्व को एक उपदेश दिया वो छह श्लोकों में उनका वह उपदेश है उसमें से एक श्लोक में उद्धृत करता हूं चरण वे मधु चरण स्वाद मुदंबरम सूर्य से पश्य श्रेयमाणम चरण अर्थ उसका है ता कहते हैं कि चलता हुआ पुरुष मधु प्राप्त करता है चलता हुआ ही पुरुष स्वादिष्ट फल प्राप्त करता है सूर्य की श्रेष्ठता तो देखो जो कभी आलस्य नहीं करता अनवरत चलता रहता है और इसलिए कहा गया चरे चरे चलते रहो चलते रहो हम इसी मंत्र को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं लगातार सक्रिय होकर के भगवान का आशीर्वाद हमको इस दिशा में और अच्छी प्रकार से मिलता रहे हम काम करते रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत धैर्य से बात सुनी नमस्कार